थाना पापामऊ क्षेत्र में चार व्यक्तियों की हत्या के संबंध में जो विवेचना की प्रगति से तथ्य आए थे उसके आधार पर आज इसका खुलासा किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त पवन सरोज ये लगभग 23 वर्ष का है और ये सजातीय है, मृतक पक्ष की जाति का है। इनके द्वारा लगातार लड़की को परेशान किया जा रहा था, मोबाइल पर मैसेज दिए जा रहे थे और लड़की द्वारा उसको अस्वीकार किया जा रहा था, बार बार उसको मना किया जा रहा था। अंतिम मैसेज के आधार पर और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पवन सरोज की गिरफ्तारी की गई है और इनके द्वारा अभी विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये बात सिद्ध हो गई है कि इनके द्वारा कुछ लोगों के सहयोग से हत्या की गई थी। नाम के बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, जो नाम बार बार ये बदल बदल के बता रहे हैं। हत्या में जो शामिल अन्य लोग हैं उनके बारे में भी विवेचना जारी है, इनकी कॉल डिटेल्स DNA प्रोफाइलिंग उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो अभी तक की नामजदगियाँ हुई थी उन नामजदगी में उनका आपस में एक छोटा विवाद केवल मृतक पक्ष के भाई से था, उसे लेकर अभी तक कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं आया है कि उनके द्वारा हत्या की गई है। इस पर अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सभी कॉल रिकॉर्ड्स DNA के जो रिजल्ट्स आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को कैसे शक हुआ सर, क्या आधार रहा पुलिस का? पुलिस के द्वारा जब मृतका का मोबाइल देखा गया तो उसमें कुछ मैसेज मिले थे और उसके साथ ही जब उन मैसेज के आधार पर पवन सरोज को पकड़ा गया तो पहले वो मना करता रहा कि मैंने कोई लड़की को मैसेज नहीं दिया, ना मैं लड़की को जानता हूँ, लेकिन जब उसको मैसेज दिखाए गए, उसका मोबाइल बरामद किया गया तो स्वयं के मोबाइल से उसमें मैसेज मिल गए। उसने गौरी मैम नाम से बच्ची का नंबर सेव किया हुआ था और जो मृतका की आयु है उसके प्रमाण हमें मृतका के मोबाइल से मिले हैं, जिसमें June 1996 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिससे जो पोक्सो की धाराएं हैं वो भी इसमें कम की जा रही हैं। प्रकाश जी, क्या इस बच्ची के साथ, युवती के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है? कुछ एविडेंस मिले हैं, खून ब्लड बलात्कार करने वाले जो पकड़ा गया है व्यक्ति उसके? इसमें बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है, इसमें जो निशान मिले हैं उसके PB हेयर्स पे निशान पाए गए हैं और जो अभी तक परीक्षण रिपोर्ट आई है उसमें ये सिद्ध हुआ है कि वहाँ बलात्कार हुआ है, लेकिन कितने लोगों द्वारा किया गया है इसके बारे में मेडिकल ओपिनियन ली गई, जो अभी जो पोस्टमार्टम पैनल था उससे बातचीत की गई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि जो इंजरीज हैं महिला के जो अंगों पर वो उसमें काफ़ी सिमेट्री है, जिससे लगता है कि जो काटने की मारने की जो क्या कार्रवाई की गई है उस युवती के ऊपर वो एक युवक के द्वारा की गई है, लेकिन जो दूसरी जो इनकी माँ है मृतका की वो भी उसको भी मारा गया है, उनके साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई। क्या एक व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे सकता है और पकड़े गए व्यक्ति के शरीर पर भी चोट के प्रतिरोध के निशान है? यह व्यक्ति क्योंकि अनपढ़ है और एक तरफा प्यार करता था, उसे लेकर इस पर जब इसके शरीर की जाँच की गई है तो प्राइमरी पेशाई उस पर कुछ चोटों के निशान है जिसको स्वयं एडमिट कर रहा है, कुछ इसकी शर्ट पर निशान मिले हैं जिसको ये पान के निशान बता रहा है, लेकिन देखने में वो खून के निशान प्रतीत होते हैं। इनके कपड़े, इनके जितने भी अन्य एविडेंस हैं उनको कलेक्ट कर हम FSL भेज रहे हैं और DNA प्रोफाइलिंग के बाद ये मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर।